काढ़े के लिए मैंने 4 कप पानी लिया है। इसमें मैं 2 टीस्पून मुलेठी क्वाथ है, ये मुलेठी क्वाथ डालूंगी। मैंने यहाँ काढ़े के लिए मुलेठी क्वाथ यूज़ किया है, आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून गिलोय क्वाथ, 1/4 अदरक, दालचीनी का टुकड़ा, आप चाहे तो दालचीनी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 लौंग, 2 इलायची और अश्वगंधा का, ये अश्वगंधा है, इसे हम कूटेंगे इस तरह से। ये अच्छी तरह से कुटा गया है, आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, 3 से 4। ये मैंने जो कुटा इसे मैं डालूंगी, बेसिल लीफ, इसे भी हम थोड़ा सा क्रश कर देंगे, फिर डालेंगे इस तरह से। आप चाहें तो तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं इसमें। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून गुड़ डालूंगी, यदि आप स्वीट ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा और डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अश्वगंधा की छोटे छोटे लकड़ी को का यूज़ किया है, आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आंच को मिनिमम पे रखना है और इसे 20 मिनट्स के लिए उबलने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट्स के बाद ये रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाली। 20 मिनट्स हो गए हैं, हमारा काढ़ा बन के तैयार है। अब मैं इसे कप में छाक करके निकाल लूँगी और इसे पिएंगे। ये सर्दी के लिए, सर्दी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है ये, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। काढ़ा हमारा बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।